दुनिया में जब भी मुसीबत आती है तो हम देखते हैं किसी ना किसी सुपर हीरो की तरफ। तो वैसे ही क्या आपको पता है हम सभी के पास एक सुपर हीरो है। जी हाँ, ये सुपर हीरो है हमारा शरीर। अब इस शरीर की मजबूती के लिए हम क्या करते हैं? व्यायाम, योग और प्राणायाम। पर क्या आप जानते हैं कि इस शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमारे शरीर को 72% व्याप्त किया है? पानी। जी हाँ, हमारे शरीर का इतना बड़ा हिस्सा पानी से भरा पड़ा है और हम किस प्रकार का पानी पीते हैं इससे हमारे शरीर और स्वास्थ्य दोनों जुड़े हुए हैं। हमारे पानी से हमारे शरीर को बड़ी मात्रा में खनिज मिलते हैं। आजकल घर में आरओ का पानी और बाहर की दुनिया में बोतल का पानी सबकी जरूरत बन चुका है। पानी की क्वालिटी को हम उसके मीठेपन से मापते हैं। जैसे मीठा पानी मतलब सबसे अच्छा पानी। पर क्या आप जानते हैं कि पानी की क्वालिटी को TDS मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड में मापा जाता है, यानी पानी में कितने मिनरल घुले हुए हैं। आईए स्टैंडर्ड 10500 2012 के अनुसार पानी 500 TDS तक का है, मतलब पानी पीने लायक है। इससे ज्यादा 1000 TDS तक पानी भी पीने के लिए ठीक माना जाता है। पानी अगर 250 TDS के नीचे हो तो उसमें मिनरल की मात्रा कम हो जाती है। भले ही वो पीने में मीठा हो पर शरीर को ऊर्जा देने में सक्षम नहीं होता। पानी का जितना कम TDS मतलब वह उतना ही सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। दुनिया में ज्यादातर लोग 100 से भी कम TDS का पानी पीते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। इससे हार्ट तक की बीमारियां होने की संभावना होती है। ये पानी ज्यादातर हमको या तो आरओ या फिर पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल से मिलता है। आरओ से निकलने वाले पानी से 90% जरूरी मिनरल जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो सारे निकल जाते हैं। आरओ से पानी छनता है तो उसमें प्लास्टिक घुल जाता है। बोतल में भी पानी ज्यादा दिन रहने से पानी में प्लास्टिक घुल जाता है। 100 TDS का पानी काफी एग्रेसिव होता है। इसमें चीजें तेजी से घुलती है। पानी में प्लास्टिक घुलने के कारण कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लोगों में पानी के बारे में सही जानकारी या फिर अवेयरनेस ना होने से भी कम TDS के पानी का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ गया है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई है। इम्यूनिटी और रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है। अब सवाल ये है कि सबसे अच्छा पानी कौन सा है? हमारे शरीर को मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम युक्त और क्लोरीन, फ्लोराइड, हैवी मेटल मुक्त पानी की जरूरत है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये पानी कैसे मिलेगा? आपको चिंता करने की या कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। धन्वंतरी आपके लिए लेके आए है आयुर्जल, जिसको हमने काफी संशोधन के बाद बनाया है। आयुर्जल का मल्टीफंक्शनल कैप्सूल फिल्टर आपको देता है साफ, शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक पानी, जिसको हाई आयोडीन वैल्यू कार्बन के साथ 16 अलग अलग सिरेमिक मिनरल्स के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। इसलिए आयुर्जल से आपको मिलता है बेहतरीन क्वालिटी का पानी, जो कि आपके शरीर को जरूरी मिनरल्स और ऊर्जा प्रदान करता है। आयुर्जल क्लोरीन के साथ हैवी मेटल तथा अनचाहे तत्वों को निकालकर पानी को पीने के लिए योग्य बना देता है। आयुर्जल ऑक्सीडेशन को धीमा कर देता है और शरीर को स्वस्थ बनने के लिए मदद करता है। आयुर्जल 7 से 8.5 के बीच के पीएच वाला पानी प्रदान करता है, जिसे वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO हेल्दी पानी कहते हैं। यह हाइड्रोजन युक्त और एंटीऑक्सीडेंट पानी हमारे शरीर के डैमेज सेल यानी कि पेशी को रिपेयर करने में मदद करता है। आयुर्जल को इस्तेमाल करने से आपके घर के पानी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको साफ, सुरक्षित और हेल्दी पानी मिलता है। हमारे बड़े हमेशा कहा करते थे कि जल ही जीवन है। पानी ही हमारा जीवन बनाता है और वही हमारा जीवन बिगाड़ता भी है। 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में हम भले ही आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी हम प्रगति कर रहे हैं, परंतु
हेल्थ अनुसार हम दिन ब दिन पीछे ही जा रहे हैं। पानी में घुले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदूषण की वजह से पानी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। इसीलिए हमारे घर में आने वाले पानी का एक रिपोर्ट कार्ड हमारे पास होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि हमारा पानी कैसा है और हमें वाकई में किस प्रकार के फिल्टर की जरूरत है। आईएस स्टैंडर्ड 10500-2012 के अनुसार अगर आपके घर में आने वाले पानी का टीडीएस 500 और हार्डनेस 200 तक है तो आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल को सीधा प्री फिल्टर के साथ आप नल को जोड़ सकते हैं। घर में अगर बोर या कुएं का पानी है और टीडीएस 500 के ऊपर और हार्डनेस 200 के ऊपर है तो आरओ मशीन में मेम्ब्रेन के बाद 250 टीडीएस मेंटेन करके हम आयुर्जल जोड़ सकते हैं, ताकि आरओ के डेड वाटर में मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और धीमे ऑक्सीडेशन के साथ आपके परिवार को हेल्दी पानी मिल सके। महंगे इलेक्ट्रिकल अल्कलाइन आयोनाइजर के पहले आयुर्जल का इस्तेमाल करके आप आयोनाइजर को साफ और प्यूरिफाइड पानी देकर आयोनाइजर मशीन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। जो पानी ज्यादा गंदा हो या फिर जिस पानी में इंसान या जानवर का वेस्ट मिला होता है, ऐसे पानी को क्लोरिनेशन करके आयुर्जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्जल इंस्टॉल करने के पहले पानी का टीडीएस, पानी का हार्डनेस और सोर्स ऑफ वाटर की जानकारी को समझ लेना जरूरी है। इस जानकारी से हमें आयुर्जल डायरेक्ट नल के टैप को जोड़ना है या आरओ के बाद में इंस्टॉल करना है या कोई अन्य उपकरण के साथ इंस्टॉल करना है, यह समझ में आ जाएगा और इसकी जानकारी हम लोगों को दे पाएंगे। आयुर्जल को इंस्टॉल करते हुए हमें देखना है कि टंकी और नल के टैप में कितना डिस्टेंस है, इससे हमें पानी के प्रेशर की जानकारी हो जाएगी। आयुर्जल से फिल्टर होने वाले पानी का फ्लो उसमें आने वाले पानी के फ्लो पे निर्भर होता है। पानी का फ्लो अगर कम है तो आप अलग से प्रेशर पंप लगा सकते हैं, जिससे पानी का प्रेशर या फ्लो बढ़ जाएगा। ऐसा अक्सर यूवी मशीन में किया जाता है। जहां अलग स्टोरेज टैंक नहीं है, वहां अलग से वाटर स्टोरेज करके कूलर के पंप के जरिए आप पानी को आयुर्जल में पहुंचा सकते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए हमारे घर के वाटर स्टोरेज टैंक की सफाई हर 2 महीने में होना जरूरी है। बेस्ट फिल्ट्रेशन के लिए आयुर्जल में आने वाले पानी का फ्लो कम रखना जरूरी है। हर 3 से 4 महीने बाद आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल को शेक करके पानी उल्टी दिशा में पास करें। इससे आयुर्जल कैप्सूल साफ हो जाएगा। आयुर्जल के साथ लगे प्री फिल्टर को हर 4 महीने में बदलना जरूरी है। इस प्री फिल्टर को आप खुद ही बदल सकते हैं। 10,000 से 15,000 लीटर पानी फिल्टर होने के बाद या तकरीबन 1 साल के बाद आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल को बदलना जरूरी है। आयुर्जल की लाइफ उसमें आने वाले पानी के टीडीएस, हार्डनेस और स्वच्छता पर निर्भर होती है। आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल की सबसे बड़ी विशेषता यानी कम जगह में आप इसे लगा सकते हैं। इसे चलाने के लिए न तो बिजली की जरूरत पड़ेगी और न ही इससे पानी वेस्ट होगा। आयुर्जल के पानी को आप किचन में सब्जियां और फल धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ग्रीन टी, चाय, कॉफी और खाना बनाने से भी आयुर्जल अच्छे स्वास्थ्यवर्धक परिणाम देता है। ऐसी कई खूबियों वाला यह आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल फिल्टर ऐसा फिल्टर है जिसे पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हेल्दी जीवन का आनंद उठा रहे हैं। हम सबकी जरूरत बन चुका बॉटल्ड वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की कीमत 15 से 20 रुपए है, जिसे हम मिनरल वाटर समझकर खरीदते हैं, पर इसमें मिनरल्स की मात्रा ना के बराबर होती है। आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल से आप अपने घर में ही मिनरल वाटर परिवार के लिए तैयार कर सकते हैं। इससे आप और आपका परिवार तंदुरुस्त और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल ट्रैवलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्जल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल को ROHS, CE और हलाल ऐसे कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं। यह सर्टिफिकेशन हमारी गुणवत्ता को दुनिया में प्रमाणित करती है।
हमारे बच्चों की हंसी और बेहतर कल के लिए हमें आज, कल और आने वाले भविष्य में भी आयुर्जल का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। तो आज ही अपने घर में आयुर्जल को लाइए और हेल्दी लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। कहा जाता है ना, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ, हेल्दी वाटर हेल्दी लाइफ। आपको निरंतर स्वास्थ्य वर्धक जीवन मिले, यही धन्वंतरी परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं।